नमस्कार दोस्तों, मैं निशर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वाराणसी आजमगढ़ फोर लेन की जानकारी देने वाला हूं कि कितना काम पहुंचा हुआ है। अब पूरा बाइक राइड करके दिखाऊंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों राइड स्टार्ट करते हैं हरण महादेव का नारा लगाते हुए। नमः पार्वती फतेह हरे हरे महादेव। ये देखिए रिंग रोड, इसी के अंडर पास में चल रहे हम लोग नीचे से और सीधे चला जाता है आजमगढ़। यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि जो फोर लेन का काम है यहीं से स्टार्ट है। ये है बनियापुर बाएं तरफ, जिस पे लिखा हुआ है, और मैं गाड़ी चलाऊंगा 60 की स्पीड से, भले 3 घंटा लग जाए मुझे पहुँचने में। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में जो काम रुका हुआ है वो जौनपुर साइड रुका हुआ है, वही मैटर है आपका, क्या कहते हैं, भूमि अधिग्रहण वाला मामले की वजह से। बाएं तरफ है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, बी फार्मा डी फार्मा करके लिखा था, यानी मेडिकल की पढ़ाई होगी। रोड तो शानदार एकदम बना है, मज़ा आ जा रहा है बाइक राइड करके। बस यही स्पीड कंटिन्यूअस लेके चलना है हमको 60 का। देखते हैं मेरा बेबी बीस्ट कितना साथ देता है मुझे। क्योंकि हुआ क्या था, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको घटना, ये सब बात करते करते चला जाएगा और क्या, कि मैं गया था ड्रोन लेने पटना। तो हुआ क्या था कि ड्रोन लेना, मैं सोचा वाराणसी में ले लूँगा, दुकान में पता करूँगा। तो गया दुकान पे, किसी के देखे बंद था, 10:30-11 बजे तो बंद ही है। उनका गजब सुस्त आदमी सब। तो एक हमारे सब्सक्राइबर थे, वो इंस्टाग्राम पे हमें एक ड्रोन शॉप का मतलब गूगल मैप लोकेशन भेजे थे, तो नंबर भी था उसमें दुकानदार का। तो मैंने कॉल किया उस पर, तो बोला हाँ मेरे पास ड्रोन है और एक पीस है, आना है तो ले जाइए, नहीं तो फिर बुक कर लीजिए आप। हम कहते बुक क्या करना है, आके ले जा रहे हैं और क्या। तो बोले तब आ जा जाएंगे, हम कहें आ जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग निकले हैं ड्रोन लेने के लिए, करीब दोपहर को निकले, 12 बजे दोपहर को एकदम, और यहाँ से पटना का जो दूरी है वो है 240 किलोमीटर, और पहुँचने में लग गया हमको 7 घंटे, मतलब वही 7 बजे घर वहाँ, मतलब हम लोग दुकान के बाद पटना पहुँच गए सिटी में हम लोग। ड्रोन लेने के बाद फिर वहाँ से निकले, तो जो आरा मोहनिया वाला जो वीडियो डाले हम दोस्तों, उस टाइम वो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो मैं सोचा अगर रात को समय आऊँगा, ठीक से सब रिफ्लेक्टर लगाए ना होंगे ना, दिक्कत होता, डर लगता है एक बार ना कि रात में नहीं दिखा तो भाई जाके एक्सीडेंट हो जाएगा तुरंत, और डाइवर्जन ज़्यादा था। तो मैं सोचा कि पकड़ा जाए क्यों ना हाईवे, वाया सासाराम होते हुए हम निकले, तो आते हुए पड़ गए 270 किलोमीटर, और आने में रात को बज गए 2 बजे, रात को घर में 2 बजे बजे, ठंडी समय था एकदम चौचा उस टाइम। तो उस टाइम हुआ क्या था, जो घटना बताने वाला था, कि उस टाइम मेरा गाड़ी 3 बार बंद हुआ था। क्योंकि यह है BS6 गाड़ी। अब BS6 में क्या होता है कि सेंसर लगा है इंजन में, अगर हीट होता है तो तुरंत ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, सेंस कर लेगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होने देगा। पुलिस चौकी चंदापुर उदयपुर। अब सोचेंगे गाड़ी में क्यों रोका हूँ, एक चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं गाड़ी रोका हूँ। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए जो बोर्ड गिरा हुआ है, ये देखिए, ये कार का नाम है नौगढ़ लिम्बुनी आजमगढ़ वाराणसी, राजमार्ग संख्या 233, पीरियडिक रिन्यूअल फ्रॉम किलोमीटर 169 से 172 तक, आजमगढ़ वाराणसी। लागत 304 लाख, स्वीकृत 2012-13 में स्वीकृत हुआ था। लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर, मतलब कई सेक्शन में लगा है, बोर्ड लगा है क्या। चलिए आगे चलते फिर।
दोस्तों इस हाईवे का यानी इस रोड का ये पहला अंडरपास पड़ा है। जगह का नाम है मोहाव। भाई रास्ता बाएं तरफ निकल जाता है आपका बाबतपुर और दाहिने साथ गाजीपुर निकल जाता होगा। ये पहला अंडरपास है, सोचा चलना हो तो हर एक अंडरपास आपको कवर करके दिखाते चलूँ, क्योंकि ये देखिए अंडरपास पूरा फुल्ली कंप्लीटेड है और आवागमन भी चालू है दोनों लेन। अब आगे मिलते हैं कोई और अंडरपास या फिर मार्केट का बाईपास दिखाने के लिए, इसी तरह अपडेट देता रहूँगा मैं दोस्तों। और दोस्तों मोहास जैसे ही आगे बढ़ा मैं, ये देखें यहाँ लिखा है चोलापुर, यानी पहला जो बाईपास निकला है वो आया है चोलापुर का। चोलापुर देखिए यहाँ से है रास्ता दिखा रहा चोलापुर, देखिए पहले रास्ता ये वाला हुआ करता था ये वाला, लेकिन बाईपास के लिए देखिए बोर्ड लगा है चोलापुर का यहाँ पर, यानी अगर आपको अब बाईपास जाना है तो ये देखिए यहाँ पर बकायदा रास्ता बना हुआ है, यानी आइलैंड टाइप में बना है। ये रास्ता चलता है चोलापुर बाज़ार, चोलापुर वैसे पड़ता है वाराणसी में। मेरा परछाई इधर बन रहा है। अयोध्या 218, टांडा 158, आजमगढ़ 83 किलोमीटर यहाँ से है। चलिए हम लगे रहे बढ़ते रहे आगे। ऐसे ग्लव्स पहन लिया मैं, ठंडा लग रहा था अभी भी। 8:16 हो रहा है, लगभग 20 किलोमीटर हम लगा चुके हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं दानगंज बाईपास पर, देख सकते हैं बाईपास कितना काम पूरा हुआ है। यहाँ पे देखिए अंडरपास बना हुआ और यहाँ से देखिए रास्ता आगे जा रहा है, ये जा रहा जा रहा जा रहा, फिर आगे देखिए आगे है खेत, तो यहाँ पर काम रुका हुआ है। बता दो दोस्तों कि आज से 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तब भी यहीं पर यह काम रुका हुआ था और आज भी यहीं पर है। देखिए मेरी बाइक खड़ी यहाँ पर, यहाँ पे एक तालाब है और यहाँ पे एक स्कूल है। ये देखिए बाईपास का काम रुका हुआ है यहाँ पर, ये ज़मीन विवाद के चलते। अब पूरा घूम के जाऊँगा नहीं, फिर मुझे यही दिक्कत होता है जानते हैं क्या, कि निर्माण कार्य वाले वीडियो बनाने में यहाँ तक मैं आ गया हूँ, मुझे फिर बाज़ार में जाने के लिए लंबा सफ़र तय करके फिर अंदर जाना पड़ेगा मेन रोड के लिए। अब देखते हैं फिर ये कहाँ ख़त्म होता है रोड। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बाईपास काम रुका हुआ था, यहाँ पे देखिए टावर इधर है, टावर इधर है और रोड जा रहा है सीधे, पूरा खंभा जा रहा है, बिजली के बड़ा सा पोल आ जा रहा है। अब देखिए ये बाईपास कब कंप्लीट होता है, तो सीधे पूरा खेत में से जेबा करेगा। हम लोग को चलना है फिर दानगंज बाज़ार में, यहाँ से बाय लेना होगा। चले मिलते हैं फिर मेन रोड पर। अभी दोस्तों पीछे दानगंज का वाराणसी सीमा समाप्त का बोर्ड लगा था, अब यहाँ से हम लोग आ गए हैं जौनपुर में। और देखिए वाराणसी तक जितना काम था पूरा कंप्लीट है, अब यहाँ से आ जाता है जौनपुर, लग जाता है आपका जौनपुर, यहीं से काम पूरा एकदम ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर बिल्डिंग ये क्या कहते हैं पूरा मटेरियल बनता है यहाँ पर रोड का, वो बंद है एकदम। ये तो गलीमत है कि ये वाला जो रोड है ये मेंटेन है, गाड़ी चलाने को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मिलते हैं जहाँ पर भी फोर लेन दिखता है दिखाते हैं। वैसे ये सब तो मार्केट पूरा एकदम ख़त्म है, यानी मतलब फोर लेन तो है नहीं, बाहर से बाईपास बंद है। दोस्तों ये जो पुल दिख रहे हैं देख सकते हैं 2 लेन का पुल है, ये कैसे गाड़ियों का आवागमन हो रहा है इस पर। और ये है चंदवक पुल, ये गोमती नदी के ऊपर बनाया गया पुल है, बाएं तरफ पुराना पुल देख सकते हैं आप गोमती नदी, वो ये भी लग रहा है पुल एकदम ख़राब हो चुका है। देखिए बाईपास कहाँ से निकलता है,
बीच बीच में ये भी देखिए आरसीसी छोड़ दिया इसका भी, ये देखिए पूरा छड़ दिखने लगा है। अब यही है, बड़े बड़े ओवरलोड ट्रक जब आएंगे जाएंगे दो लेन पुल पर, हमेशा गाड़ियों का आवागमन रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पिलर दिया रखा गया है, मतलब वो है स्पैन रखा गया है ब्रिज बनाने के लिए। यहाँ है मछली का दुकान, मार्केट अच्छा खासा। बढ़िया बढ़िया मछली मिल रहा है। अब बाएं तरफ मिल रहा है गाजर, पपीता, ये ट्रक में बालू लेके जा रहे हैं खुले में एकदम, और हवा तेज चल रहा है तो बालू उड़ उड़ के आंखों में जा रहा है, इसलिए हेलमेट का वाइजर में बंद कर लिया, इससे दुर्घटना भी होने के चांसेस रहते हैं, बालू चल जाएगा आंख में तो। अब लापरवाही करते हैं ट्रक वाले, क्या किया जाए। सोच सकते हैं दो लेन के रोड पर गाड़ी चलाने में कितना दिक्कत होता है, देखिए यहाँ से ट्रक यहाँ से ट्रक, आदमी जाएगा कहाँ से, इसलिए फोर लेन रोड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज बालू उठ रहा है पूरा, जाए भाई कार वाले पहले आप जाइए, अब हम भी चलते हैं आप लोगों के साथ। हम लोग चंदवक, जो भाई लोग चंदवक से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा चंदवक बाजार के लिए। वैसे चंदवक मार्केट वीडियो में चैनल अपलोड किया हूँ, जाके देख सकते हैं दोस्तों। चंदवक जो त्रिमोहानी है वहीं से रास्ता एक तरफ गाजीपुर, एक तरफ आजमगढ़ और एक तरफ वाराणसी न जौनपुर की तरफ लीजिए जोड़ता है। यहाँ देखिए एक रेलवे फाटक पड़ा और रास्ते में ही मिला मुझे एक, यहाँ पर डबलिंग हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन काम चल रहा लग रहा है। तो चल ही रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम, नहीं हुआ अभी। ये देखिए पड़ता सर रोटी में, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड लगा सीमा प्रारंभ थाना कोतवाली देवगांव जनपद आजमगढ़, आजमगढ़ वैसे ही पहुँचे हम लोग। और देखिए यहाँ से फोर लेन फिर स्टार्ट हो गया, ये देखिए ये है फोर लेन, ये है फोर लेन, मतलब समझे आप, यानी दानगंज तक वाराणसी के बॉर्डर होता है, इसलिए रिंग रोड से लेकर दानगंज तक फोर लेन कम्प्लीट हो चुका है। और बचा ये दानगंज से लेकर देवगांव तक, ये पड़ता है आपका मतलब देवगांव बॉर्डर तक पड़ता है जौनपुर में, इसलिए यहाँ तक का जो काम है वो एक ईंट नहीं रखा गया है फोर लेन काम। अभी देखिए हम लोग देवगांव आ गए आजमगढ़ में, आजमगढ़ में फोर लेन चालू हो गया, आजमगढ़ तक पूरा बना है फोर लेन। यानी इस प्रोजेक्ट में जो दिक्कत है वो कंपनी दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत है कोर्ट में केस चल रहा है, यानी किसान और हाई कोर्ट में मतलब केस चल रहा है ये मुआवजा को लेकर, इसीलिए ये प्रोजेक्ट रुका हुआ, नहीं तो प्रोजेक्ट कब का कम्प्लीट हो चुका होता। देख सकते हैं आप फोर लेन एकदम कम्प्लीट है, चलिए आराम से कोई दिक्कत नहीं है। यही अपडेट देना था मुझे आपको कि प्रोजेक्ट कहाँ तक कम्प्लीट हुआ है। देखिए यहाँ पर लेन मार्किंग भी कर दी गई है, लाइट भी लगा दिया गया है, नाला बन चुका है, मीडियन भी बन चुका है आपका, जैसे डिवाइडर आपका है वो भी कम्प्लीट है। बस यही अपडेट है, बाकी आपको काम चल रहा है कुछ होगा तो आपको मैं अपडेट दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं था वीडियो बड़ा करने का, जहां मुझे लगे अपडेट देना है वहीं मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं।
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा है कि देवगांव जाना है तो बाएं और आजमगढ़ जाना सीधे। और बता दो दोस्तों कि ये बाईपास देखना होगा कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो वाया बाजार होते हुए जा रही हैं। हम लोग का बाइक है तो इसलिए आपको दिखाना मेरा फर्ज होता है। ये बाइक तो चला ही जाएगा, अब कैसे जाएगा देखिए। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है अभी इस साइड, ये भैया साहब देखिए नहीं, ये देखिए इस पर चढ़ाना है, आराम से चढ़ जाएगी गाड़ी। ये है देवगांव का बाईपास। वैसे देवगांव की वीडियो आपको हमारे चैनल देखने मिल जाएगी, देवगांव गोसाई बाजार लालगंज सबका वीडियो मिल जाएगा आपको। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक अंडर पास का काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है। ये देवगांव बाजार के बाईपास में हम लोग है। अब बाईपास देखिए पेड़ पौधे लग गए हैं, देखने वाली बात है। यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, क्या काम रुका हुआ है इस बाईपास में। ये काम बचा हुआ है, अच्छा अभी इधर क्रैश गार्ड लगाना बाकी है इस साइड। वो देखिए यहाँ रखा हुआ सब क्रैश गार्ड ना, यहाँ किनारे किनारे लगेगा अभी। बीच मिट्टी डाल दिया गया है, मतलब ये बाईपास भी कंप्लीट नहीं है, नहीं कार वार निकल जा रही है धीरे से। अब आगे चलते देखते हैं क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। दोस्तों बाएं तरफ है हीरो का शोरूम नेशनल हीरो, और दाहिने तरफ है नगर पंचायत कटघर लालगंज का दाहिने तरफ है। और ये बाईपास बनाया गया लालगंज के लिए, ये बाईपास तो कंप्लीट है पूरा। दोस्तों गोसाई बाज़ार जैसे अपने आगे निकलेंगे बाईपास के लिए, मतलब मेन हाईवे पे, देखिए यहाँ पर एक लेन का भी काम चल ही रहा है। यहाँ देखिए जैसे मोटी मोटी छड़ डाल के ढलाई होगा, उस साइड देख सकते पॉलीथीन बिछा दिया गया है, इसलिए देख सकते इस लेन पे बस आवागमन है। ये बाएं वाला लेन है वो बंद है, मतलब गोसाई बाज़ार बाईपास जहाँ एंड होता है फिर वहाँ उसी के आगे ये काम हो रहा है। लोकेशन बताना ज़रूरी होता है, इस समय लगभग 71 किलोमीटर आ चुके हैं अपने घर से हैं। यहाँ देखिए रोड ख़राब है, मतलब बना नहीं अभी रोड इस साइड का। ये गोसाई बाज़ार से बाईपास ख़त्म होता है उसके आगे का ये रोड है, यहाँ ऐसा भी मिट्टी वाला रोड है। बाएं तरफ आरसीसी हो गया तो ट्रांसफ़र कर देंगे गाड़ियों को उधर, तभी बनाएंगे आराम से। देखिए यहाँ पर एक ट्रक धस गया है, अरे बाप रे ओवरलोडेड बालू भाई, ऐसा लग रहा है कब ने पलट गया है। जल्दी से निकला है यहाँ पे, देखिए बैठ गया होगा पानी पाकर ज़मीन, देख सकते इतना ऊंचा रोड बनाया जा रहा है। एक तो छोटा सा जगह ऊपर से ट्रक भी वाले भी खड़े कर दिए अपना गाड़ी। ये देखिए आगे धूल का गुबार, यहाँ देखिए रोड बना हुआ है ये वाला। इतना भरा हुआ मेटल की गिर रहा है और धूल पूरा, अच्छा वो हेलमेट का वाइजर बंद था नहीं तो पूरा आँखों में धूल चला जाता।
पहले यहाँ तक कंप्लीट है, बस आगे जहाँ भी कंप्लीट नहीं होगा वो दिखाएंगे फिर। अरे यार आ गई है, कंप्लीट नहीं है फिर। यहाँ फिर डाइवर्जन है, चलिए पानी डाला यहाँ पर, कम से कम ठीक है, धूल नहीं उड़ रहा है। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट का काम कर रही है कंपनी, उसका नाम है गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो काम कर रही है वाराणसी जौनपुर फोर लेन का, वही है। अब वही वाराणसी एयरपोर्ट रोड को भी बनाई है एकदम एक नंबर। बात तो देखिए यहाँ ढलाई हो चुका है, इस समय तराई काम चल रहा है। चलिए अब आगे मिलते जहाँ पर काम कम्प्लीट नहीं हुआ या फिर कुछ खास रहेगा तब। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा है, कप्तानगंज यहाँ से 26 किलोमीटर और निजामाबाद 11 किलोमीटर। वैसे निजामाबाद की वीडियो मैंने अपलोड की चैनल पर, वो जाके देख सकते हैं आप। और यहीं पर एक पुल है, पुल से अब बाएं निकल जाएंगे, चले जाएंगे वाराणसी और दाहिने निकल जाएंगे सीधे जौनपुर, यानी आजमगढ़ जौनपुर फोर लेन बन रहा है वो। अगर वहाँ की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं वहाँ का बनाने की वीडियो प्रयास करूँगा। चलिए हम लोग राइड स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किस साइड? आजमगढ़ साइड। काफ़ी गाड़ियों का आवागमन चल रहा है इस समय। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर टोल प्लाजा बना हुआ है, और ये टोल प्लाजा ठीक उसी तरह है जिस तरह का वाराणसी जौनपुर मार्ग पर बना हुआ हौज टोल प्लाजा है, क्योंकि दोनों ही मतलब बनाने वाली कंपनी एक ही है, गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसलिए दोनों टोल प्लाजा का डिज़ाइन भी एक ही रखा गया है। वैसे प्रोजेक्ट तो अभी कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है कुछ, मतलब कि जौनपुर साइड का, और टोल प्लाजा तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए धर्मकांटा बना है, यानी ट्रकों को वजन करने के लिए तराजू। यहाँ देखिए खंभे लग चुके हैं, अभी एलईडी लाइट लगना मतलब बाकी है, देखते कहाँ तक जाता है ये फोर लेन। 10:31 हो रहा है, लगभग अपने घर से हम आ चुके हैं, 5 माइनस करेंगे तो 84 किलोमीटर। दोस्तों अभी हम लोग हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ठीक पहले, यहाँ पे बाईपास कटा हुआ है रानी सराय मार्केट के लिए, रानी के सराय मार्केट के लिए जो भी है नाम। देखिए ये है रानी सराय मार्केट चला जाता है ये वाला रोड देख रहे जो, और ये वाला रोड देख रहे सीधे चला जाता है आपका वाराणसी, और यही देखिए ठीक बाईपास बना है बगल से ये वाला फोर लेन। चलिए चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है, सोचा थोड़ा सा अपडेट दे दूँ आपको, चलिए चलते हैं। अभी हम लोग दोस्तों है रानी की सराय बाईपास पर, देख सकते हैं बाईपास काम कितना पूरा हुआ है, यहाँ पर एक ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। ये ब्रिज कौन सा है भाई? अच्छा लग रहा है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ अंडरपास क्या,
तभी बाइक वाइक भी नीचे जा रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी जहाँ पर है मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको दोस्तों, यहाँ पर अंडरपास बना है और ये रास्ता देखिए, यहाँ पीछे ब्रिज दिख रहा होगा आपको, ये ब्रिज है आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज, और ये बाईपास कर देता है पूरा आजमगढ़ को। और ट्रक की आवाज़ काफ़ी सुनाई दे रही होगी आपको। और यह फोर लेन बता दोस्तों कि वाराणसी रिंग रोड से लगभग यहाँ तक 79 किलोमीटर लंबा है और इसे गायत्री प्रोजेक्ट बना रही है। अब बता दूं कि जौनपुर साइड का काम कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।